अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोयल की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल ठीक है, मामूली बर्न इंजरीज हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूँ, वो आप इन्हें देते रहिएगा। शॉक की वजह से बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ये आप उन्हें दे दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू आर वेलकम। चलिए डॉक्टर साहब, दवाई भी ले आना। कोयल? पापा, कोयल ठीक नहीं है। सॉरी कोयल, आई एम रियली वेरी सॉरी, हम आपका ध्यान नहीं रख पाए बेटा। बोला था हमने आपकी नानी से कि आपको सही सलामत वापस लेकर जाएंगे, पर सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सर, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी और कुछ नहीं। सर, एक बात कहें, क्यों ना कोयल की मम्मी को बुला लिया जाए, इससे इसको थोड़ी राहत भी मिलेगी और साहस भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम अभी इसकी अम्मा को फोन लगाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हम अभी इसकी मम्मी को फोन करते हैं। नहीं, तुम रहने दो, हम करेंगे फोन। हमारा फोन कहाँ है? अब यहीं कहीं होगा, आप इसकी मम्मी को कॉल कीजिए, तब तक हम बच्चों के लिए थोड़ा सूप बना कर लाते हैं। कोयल ठीक तो है ना? कनक, एक काम करो ना, अब पापा को अपना फोन दो। मुझे नहीं मालूम पापा, पता नहीं किधर गया। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तुम्हारा खेल खराब हो गया, जिसको घर में आने से स्टॉप करना था वही घर में आ रही है। व्हाट डू नाउ, व्हाट डू? एक अभूत की तरह हमारे पीछे पड़े हो। राजीव पे नजर रखो, कहीं कनक उसे अपना फोन ना दे दे। एक तो मिनट चैन से सोचने नहीं देते ये लोग। इतने लोग हैं घर में, किस किस का फोन लोगी, कैसे रोकोगी? What do? What? अब यहाँ नहीं, वहाँ रोक लगानी होगी। कोयल की अम्मा को पता चला तो उड़ते तीर की तरह यहाँ घुस आएगी। अभी के अभी वहाँ पहुँचो। क्या हुआ? नहीं माई, इधर कोई नहीं फोन उठा रहा है। माई, वो कोयले का वो कॉपी देना, उसमें कनक का फोन नंबर था। हाँ देखिए, तब तक हम इधर देखते हैं। ये है का? हाँ हाँ, वो तुम बेवजह घबरा रही हो, अब तुम शांत हो जाओ, वो सब ठीक ही होंगे। वो पार्टी देर रात तक चल रहा होगा, बड़े लोग हैं ना इसलिए। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस? कौन है यहाँ? जी नमस्ते जी, हम ही है। क्या हुआ? कोयल का कोई खबर लेके आए क्या इंस्पेक्टर साहब? हमारे कोयल ठीक तो है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? कोयल नहीं, आपके खिलाफ शिकायत है। शिकायत काहे? हमारे खिलाफ शिकायत? आपकी बस पे एक छोटी बच्ची का महंगा मोबाइल खो गया है। उस बच्ची के माँ बाप का आरोप है कि वो फोन आपने चोरी किया है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये करेगा मोबाइल की चोरी, इसको क्या जरूरत है? वो तो तलाशी लेने के बाद ही पता लगेगा। आओ चलो, तलाशी लो घर की। ये क्या बोल रहे हैं? इस बच्चा साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना माई? सारे बच्चे हमको बस दीदी कहते हैं, हम उनका उनका फोन चोरी करेंगे। वैसे शिकायत कौन दर्ज करा है? अभी वो सब छोड़िए, तलाशी हो रही है, होने दीजिए। सुनो, पूरे घर की तलाशी लो, चलो। काहे? ए
नहीं, ये हमारा फोन है। अरे क्या कर रहे? अरे तार का काट रहे, तार का ही निकाल रही है वो। अरे फोन साहब, हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारे कोयल बाहर है, अपना घर नहीं आई है, हमको उससे बात करना है। ऐसे हमारा फोन, हम कैसे बात करेंगे? और उसको लेने भी तो जाना है हमको। देखिए, जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकती और ना ही किसी से बात कर सकती हैं आप लोग। इससे कैसे? आज बहुत रात हो गई है, हमारी कोयल बाहर है पर अब तक घर नहीं आई है, हमको बहुत चिंता हो रहा है। एक बार बात कर लेते, उसके बाद आप जैसा कहेंगे ना हम वैसा करेंगे। बस एक बार बात कर लेने दीजिए, एक बार। मैं कहो ना साहिब, वो बहुत परेशान है, उसकी बच्ची ना छोटी, एकदम छोटी है, वो इतनी रात को बाहर है, एक बार बात कर ले दीजिए। देखिए, तहकीकात में खलल डालना अपराध है, मुझे मजबूर मत करिए आपको हिरासत में लेने को। एक बार बात कर लीजिए ना। पकड़ो इसे। एक बार। क्या कर रहे हैं आप? तलाशी चल रही है ना, उसको पूरी होने दो। कोयल से कैसे बात करें? कैसे पहुंचे कोयल तक? जोकर, वो जोकर एक बार मिल जाना हमको। क्या क्या जोकर सर? क्या क्या जोकर? वो जो बर्थडे पे आया था, वो जोकर। तुम देख रहे, किसी भी तरह हम उसको ढूंढ के निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे ये सब उसी की वजह से हुआ। उसी ने कैद किया था ना कोयल को। एक बार हमारे हाथ में आ गया ना ये जोकर, तो देखना छोड़ेंगे नहीं उसको। जोकर, जोकर तो मामूली कलाकार था, वर्किंग फॉर टू टाइम रोटी। उसका क्या दोष? ये सब तो दुर्घटना कहेंगे। हमें तो थैंक्स गॉड करना चाहिए कि किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा। सब ठीक है, आप बेकार की टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, कंट्रोल में है। डॉक्टर भी तो देख कर गए हैं ना इसको। आप अपने रूम में जाके रेस्ट कीजिए, हम यहाँ बैठे हैं ना। नहीं, हम भी यही रुकेंगे बच्चों के साथ। राजीव जी, आप आराम से अपने कमरे में जाइए, रेस्ट कीजिए, हम हैं ना यहाँ इनके साथ। जब ये जाग जाएगी हम आपको वापस बुला लेंगे। जाइए, गो गो। हाँ सर, हम सब हैं ना यहाँ पे, आप जाके आराम कीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है। जान बची। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये बोले बाबा, बोले बाबा, हमारी कोयल का रक्षा करो। छोटी थी तब से। तुम ठीक हो गई? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मैं पापा को बुलाती हूँ, वो बहुत हैप्पी होंगे। पापा, 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 कोयल लूट गई। कोयल? 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 बेटा, तुम ठीक हो ना बेटा? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। भोलेनाथ की असीम कृपा है, कोयल को होश आ गया, वरना इसके घर वालों को क्या मुंह दिखाते हम। हमको अपनी अम्मा के पास जाना है, लेट हो गया है,
फिक्र कर रही होंगी। तुम फिक्र मत करो, ये हीरो अंकल है ना, हम खुद लेके जाएंगे। लेकिन कोयल, दर्द हो रहा होगा ना, चल पाओगी? चल लूंगी, और अम्मा के पास जाते ही दर्द छुमंतर। तो चलो, हम आपको आपकी अम्मा के पास लेके जाते। ये हीरो तो हीरोइन से मिलने जा रहा है, अब ना ही उसे पता ही है। चलो, और हाँ, तुमको चलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो हीरो अंकल है ना, वो खुद लेके उड़कर ले जाएंगे, ये। सीधा अम्मा की गोद में। चलो। चल। और रुकिए, हम भी साथ चलेंगे। क्यों? इसकी मम्मी से माफी मांगनी, हमारे रहते ये हादसा हुआ, एक माफी तो बनता है। अब इसके दिमाग में क्या चलने लगा, उसे मिलने क्यों जा रही है? ठीक है, चलो। ओह माय गॉश, खुशबू, अब पूरे बिस्तर बांध लो क्योंकि भांडा फूटने वाला है। अब जो होगा देख लेंगे, कुहू को आज पता लग ही जाने दो कि हम राजीव की पत्नी हैं और जिंदा है। चलो कोयल, अम्मा के पास छोड़ के आते। तुम चलोगी? हाँ, तो इसकी अम्मा से माफी मांगना है, सॉरी बोलना है। आप अम्मा को मत बताना, नहीं तो वो टेंशन में बढ़-बढ़ करेगी। अरे वाह, बहुत ही समझदार लड़की है ये तो, अम्मा की कितनी फिक्र है। तो फिर तुम्हारी अम्मा को पता ना चले इसलिए। अंजनी, तुम एक काम करो, गाड़ी में ही बैठो, हम जाके इसे छोड़ कर आते। चल। बाय कोयल। आज नहीं तो फिर कभी होगा आमना सामना हमारा और उस कुहिया का। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।